गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। एक गांव में नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बंगला और एक छोटी सी झोपड़ी साथ साथ थे। बंगले में विलासराव नाम का धनवान रहता था और झोपड़ी में धर्मेंद्र नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। धनवान के बेटे का नाम था हेमंतराव। वो बहुत घमंडी था। धर्मेंद्र का एक अपाहिज बेटा था मुन्ना और बेटी थी चांदनी। हेमंत अपने घर के बाहर महंगे खिलौनों के साथ खेलता रहता था, तो ये दोनों बच्चे अपने घर के बाहर मिट्टी के बने हुए खिलौने और खुद तैयार किए हुए खिलौनों के साथ खेलते रहते थे। एक दिन हेमंत अपने महंगे मिनी कार में जाकर उनके लकड़ी वाले गाड़ी से जाकर टकराया। बस वो दोनों बेचारे नीचे गिर गए और उनकी लकड़ी की गाड़ी चूर चूर हो गई। चांदनी चोट लगने के कारण कह के रोने लगी। तब विलास राव और धर्मेंद्र दोनों दौड़े दौड़े वहाँ आए। रे हेमंत, तुम्हें अकल नहीं है क्या? क्यों हमें तंग करते रहते हो? तुमने अपने कार के साथ हमें टक्कर क्यों मारा? देखो, मेरी बहन को चोट लगी और वो रो रही है। ए, मैंने कौन टक्कर मारा? तुम दोनों मुझसे जले और मेरी कार से आकर टकरा गए, इसीलिए वो चूर चूर हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तुम्हारा यूं हर बार उन्हें सताना ठीक नहीं है बेटा। तुम ऐसा करना छोड़ दो बेटा। अच्छा, तो तुम्हारे बच्चे झूठ नहीं बोलते? वो सब हरिश्चंद्र के खानदान के हैं क्या? यानी अब मेरा बेटा झूठ बोलता है? ए धर्मेंद्र, किससे बात कर रहे हो जानते हो? सोच समझ कर बोला करो। देखिए, बच्चे गलती करें तो उन्हें नसीहत देना चाहिए, यूं उनकी तरफदारी नहीं करना चाहिए। दूसरों को सताना गलत बात है। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चलो मुन्ना, चांदनी, चलो घर चलते हैं। अच्छा, अब दूसरों को सताने की बात तुम करते हो? एक तो मछली पकड़ने का घटिया काम करते हो और फिर जो मछली पकड़ कर लाते हो घर के सामने डाल देते हो, वो गंदगी हमसे नहीं सही जाती, और तुम कहते हो कि हम सता रहे हैं। माफ कीजिए, मछली की बू तो आम बात है, उसे खाते वक्त तो तकलीफ नहीं होती, बस बू से तकलीफ होती है। ठीक है, अब से मछली मैं घर नहीं लाऊंगा। अगर आप पहले ही कह देते तो इतनी परेशानी नहीं होती आपको। अब तो खुश हैं आप, अब मैं चलता हूँ, कहकर चला गया। पर हेमंत ने बच्चों को तंग करना नहीं छोड़ा। एक बार वो लकड़ी के साइकिल पर जा रहे थे तो पीछे से अपने मिनी बाइक में आया और उनको टक्कर मारा। फिर से धर्मेंद्र और विलास राव आपस में झगड़ने लगे। वे दोनों यूं बहस करते रहते तो हेमंत पीछे से बच्चों को चिढ़ाता हुआ नाचता रहता था। ये देखकर मुन्ना और चांदनी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन दोनों बच्चे पानी में कागज के नाव छोड़ रहे थे, तभी हेमंत वहां आया और अपने रिमोट वाले मूंगे की नाव को पानी में घुमाने लगा। उस मूंगे की नाव से इन बच्चों के कागज के नाव को टक्कर मारने लगा। लानत है भैया, ये हमेशा हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है? अरे बोर मार रहा है भैया, कुछ करते हैं ना। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए इन लकड़ी के फट्टे पर बैठकर बोटिंग करते हैं, चलो। यूं वो दोनों एक लकड़ी के फट्टे पर बैठकर बोटिंग करने लगे। ये देखकर हेमंत तुरंत अंदर गया और एक वाटर बाइक लेकर आया, वो भी पानी में बोटिंग करने लगा। वो पानी में उनका चक्कर लगाते हुए कह के पागलों की तरह हंसने लगा और उन्हें चिढ़ाने लगा। क्यों रे, तुमने सोचा कि तुम बोटिंग करोगे तो मैं नहीं कर सकता? वैसे यूं लकड़ी के फट्टे में बैठकर क्या बोटिंग कर रहे हो? गरीबों, मैं तुम गरीबों को दिखाता हूँ कि बोटिंग क्या होता है, कहकर जोर से आकर उनसे टकराया। बस उसके बाइक के दो टुकड़े हुए और वो पानी में डूब गया। वो पानी में डूबता डूबता अरे बाप रे, मुझे बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता, मुझे बचाओ, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, कहकर चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर गांव वाले और उसके घर वाले सब दौड़े दौड़े आए।
अरे मेरे बेटे को बचाओ, मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ, कोई तो मेरे बेटे को बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। हे भगवान, उसकी जान बचा लो, कोई तो उसकी रक्षा करो, कहकर चिल्लाने लगा। तब मुन्ना और चांदनी पानी में कूदे और उसको बचा कर लाए। भाई साहब, मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही तैरना सिखाया है। पानी चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो आराम से तैर लेते हैं। इसीलिए वो लकड़ी के फट्टे में बैठकर आराम से बोटिंग करते रहते हैं। इसीलिए मैं भी उन्हें कभी टोकता नहीं। पर बेचारा आपका बेटा तो तैरना जानता नहीं, उन्हें तंग करने के इरादे से गया और खुद मुसीबत में फंस गया। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे माफ करो धर्मेंद्र, पैसे के घमंड में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। आखिरकार तुम्हारे धंधे का भी मैंने अपमान किया। तुम्हारे बच्चों ने मेरे बेटे को पुनर्जन्म दिया है। बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुन्ना, आई एम रियली सॉरी। सॉरी भैया, अब से मैं तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगे प्लीज? कहकर मुन्ने को गले से लगा लिया। उस दिन से मुन्ना और चांदनी उसे तैरना सिखाने लगे और अच्छे दोस्त बन गए।